बाइलिंगुअलिज्म, लैंग्वेज डिफरेंसेस इन द क्लासरूम। बाइलिंगुअलिज्म का मतलब ये है कि जैसे दो जुबानें जो है वो इस्तेमाल की जाएं या दो जुबानें लर्न की जाएं तो बाईलंग इसको कहते हैं दो जुबानों के इल्म को इसमें ये है कि जैसे स्टूडेंट्स जो के इंग्लिश एक अच्छी बोल सकते हैं जो कि एक सेकेंड लैंग्वेज हम उसको कहते हैं एक हमारी होम लैंगवेज है और एक हमारी नेशनल लैंग्वेज इसको हम कहते हैं कि अगर एक वो वो बोल सकता है और एक वो सेकेंड लैंग्वेज बोल सकता है और ही कैन यू नो कम्यूनिकेट विद स्टूडेंट्स इन द क्लास तो इसको हम कहते हैं कि वो बायलिंगली बड़ा अच्छा है और क्लास रूम में उसके डिफरेंसेज क्यों हैं उसके डिफ्रेंसिज इसलिए हैं कि उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं अब कोई बच्चा किसी बैकग्राउंड से आया है कोई बच्चा किसी बैकग्राउंड से आया है अब हमारे जैसे प्रोविंस डिफरेंट हैं तो हमारा जो एक्सेंट है वो प्रोवेंसेज के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट है तो बाइलेंग्वलिज़म में ये है कि ज़ुबान किस तरह से पढ़ के हम आए हैं अंग्रेज़ी को हम किस तरह से पढ़ के आए हैं नेशनल लैंग्वेज तो हम चूँकि बोलते हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं मेजॉरिटी उसके लिए हमें इतना तरद नहीं करना पड़ता उसके लिए हमें इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती लेकिन जो सेकेंड लैंग्वेज है चूँकि हम उसको घर में इतना बोलते नहीं हैं हम इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करते ज़ुबान आती है कम्युनिकेट करने से तो इसलिए ये जो क्लासरूम में डिफ्रेंसिस हैं ये नेचुरल हैं ये नॉर्मल हैं स्कूलिंग डिफरेंट होगी घर का माहौल डिफरेंट होगा और इसी तरह से आपका जो नेबरहुड है वो डिफरेंट होगा आपके दोस्त डिफरेंट होंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बा जो है इसके अंदर क्लास में डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट करती हैं और इसमें जैसे स्टूडेंट में स्पीक अ लैंगवेज सेटिसफेक्टली बट बी चैलेंज बाय रीडिंग और राइटिंग थ्रू इवन दिस पैटर्न हैज़ इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन अच्छा इसमें भी ये देखें एक्सेप्शन हैं बाजुकात हम बड़ा अच्छा फ्लुएंटली स्पीकिंग जो है हमारी अच्छी होती लेकिन हमारी ग्रामर और राइटिंग अच्छी नहीं होती लेकिन हम स्पीकिंग में दो ज़ुबानों में बड़े अच्छे हैं लेकिन राइटिंग में हम अच्छे नहीं हैं तो ये भी एक डिफरेंस आ सकता है क्लास में कि एक ज़ुबान के चार मॉड्यूल हैं जैसे स्पीकिंग है लिसनिंग है राइटिंग है और रीडिंग है तो ये चार मॉड्यूल्स जो हैं इसमें भी दो ज़ुबानों में डिफरेंस आ सकता है क्लास में अब फिर उसी बात पर हम आते हैं कि हमने उसको लर्न कैसे किया है तो ये कोई इतना ज़्यादा जो है वो आ, मुश्किल वाली बात नहीं होती क्योंकि ज़ुबान के चैलेंजेस को ज़ुबान की प्रैक्टिस करके हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं तो इसलिए क्लासरूम में लैंग्वेज का डिफरेंस होना जो है वो चैलेंज तो ज़रूर है लेकिन एक टीचर जो है उसकी मुनासिब एक्सरसाइज करवा के और स्टूडेंट्स को उस ज़ुबान के अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस प्रोवाइड करके उसमें एक्सेल जो है वो दिलवा सकता है दिस इज़ नाट अ बिग प्रॉब्लम एंड अ चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स if we will provide them good environment to practice